Hello everyone, welcome back to our channel Creative Studios. How are you all? So this video is dedicated to all the science lovers, to all the experiment lovers, and to everyone who believe in doing some wonderful experiments. So guys, let me tell you what is this. This is ultimate science kit. ये है एक अल्टीमेट साइंस किट। ये मुझे मिला है अपने बर्थडे गिफ्ट में और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स डू अनबॉक्सिंग ऑफ दिस साइंस किट एंड लेट्स सी कि इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए क्या क्या है। ओके गाइस, सो इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक होल जैसा दिया हुआ है, यहीं से ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे टेप लगा हुआ था जो कि मैंने काट दिया है और अब मैं इसको यहाँ से खोल रही हूँ। ओके, सो आई हैव ओपन्ड दिस बॉक्स। सो दिस बॉक्स इज ओपन एंड नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके गाइस, सो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ये एक हार्ट दिया हुआ है, मतलब ये एक मैसेज है, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। तो ये कंपनी वालों की तरफ से एक मैसेज है। और इसके बाद यहाँ पे है ये दो मैनुअल्स जो कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए हेल्प करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे सबसे पहले है ये साइंस किट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आइंस्टाइन बॉक्स और इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है। ये इसका इंडेक्स है और यहाँ पे आपको डिटेल में सारे एक्सपेरिमेंट्स को समझाया गया है। सो दिस इज़ वन एंड अनदर वन इज़ अनदर बुकलेट जो है 60 बोनस एक्सपेरिमेंट्स का। ये भी आइंस्टाइन बॉक्स साइंस किट 60 बोनस एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसमें हम होम मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर भी ये इंडेक्स है और सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं अच्छे से पिक्चर्स के साथ। इन्होंने यहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है, एज़ यू ऑल कैन सी इन्होंने बहुत डिटेलिंग में इस मैनुअल में लिखा है। सो लेट्स सी कि अब इस बुकलेट के अंदर इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। सो गाइस, इनको मैं हटा देती हूँ। ये हैं कुछ चीज़ें जो हम यूज़ करने वाले एक्सपेरिमेंट में। ये पेपर्स हैं, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इन पेपर्स का यूज़ होगा। इसका एग्जैक्ट यूज़ तो मुझे भी नहीं पता, बट इसमें कुछ शेप्स बने हुए हैं। आई होप यू कैन सी, यहाँ पे कुछ शेप्स बने हुए हैं। एंड गाइज, आई फाउंड दिस थिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि है मेसी मैट। लेट मी शो यू वॉट इट इज़। सो गाइज, मेसी मैट हमने ओपन कर लिया और मेसी मैट ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये जो मेसी मैट है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स जहाँ पे आप अपने सारे केमिकल्स रख सकते हैं। ये है एक्सपेरिमेंट एरिया जहाँ आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे भी आप अपने केमिकल्स रख सकते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ पे गंदगी होगी, सो यू कैन वाइप क्लीन आफ्टर यूज़। सो हम इस जगह को वाइप कर देंगे और ये मैट फिर से क्लीन हो जाएगा। इससे आसपास गंदा नहीं होगा, ना आपको ज़्यादा न्यूज़पेपर्स रखने की ज़रूरत है। इसी पे डायरेक्टली अपना सामान रखिए एंड डू द एक्सपेरिमेंट। एंड गाइस, दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द किट फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसको एक बार दिखा देती हूँ पास पास से जले। सो गाइस, ये ओवरऑल व्यू था इसका और मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लोजली दिखा दिया और अब हम देखते हैं कि क्या क्या है इन चीज़ों का नाम। तो गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले ये दो बॉटल्स हैं। इसमें से एक बॉटल में लिखा है ग्लू नॉन टॉक्सिक और एक है विनेगर, और ये दो चीज़ें एक्सपेरिमेंट में काम आएंगी। ये ग्लू तो आता ही है, विनेगर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया भी है। ये है ग्लिसरिंग फ्लेक्स, जो ग्लिसरीन होता है, जो आर्टिफिशियल टीयर्स जो आँखों से आंसू आते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट लेन, यहाँ पे है ये फूड कलर्स और कुछ एसेंशियल ड्रॉप्स, जैसे कि यहाँ पे है ये ग्लो पाउडर, ये है ब्लू कलर,
ये है रेड कलर, ये है येलो कलर, और ये है ग्रीन एप्पल सेंट, और ये है रोज सेंट। तो ये सारी चीज़ें, ये तो तीन कलर्स हैं जो हमें एक्सपेरिमेंट में काम आएंगे जहाँ पे हमें कलर चेंज वगैरह करना है, और ये ग्लो पाउडर भी काम आएगा और ये दोनों सेंट्स भी काम आने वाले हैं। गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट लेन, यहाँ पे हैं फोर बॉटल्स जिनके अंदर हैं केमिकल्स। गाइज यहाँ पे सबसे पहले है सिट्रिक एसिड, जो कि लेमन के जूस को भी कहते हैं, लेमन के जूस में सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल पाउडर, यहाँ पे ये क्रिस्टल पाउडर है जिससे आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स बनेंगे। फिर है ये बेकिंग सोडा, जो कि हम सबको पता है घर में भी होता है, ये बेकिंग सोडा से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और ये है कॉर्न स्टार्च, या फिर कॉर्न फ्लावर भी बोलते हैं इसको। सो ये चार यहाँ पे केमिकल्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में। गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है एक मेजरिंग फ्लास्क जिसमें हम 25 ml तक वाटर मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी है लेकिन फिक्स क्वांटिटी यहाँ पे 25 ml तक मेजर कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट है यहाँ पे एक फ्लास्क जिससे हम चीज़ों को छानते हैं, ये फ्लास्क भी इन्होंने दिया हुआ है और ये भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है। गाइज देन यहाँ पे है ये एक बलून जो कि एक एक्सपेरिमेंट में काम आने वाला है, ये यहाँ पे येलो कलर का बलून दिया हुआ है। और यहाँ पे हैं ये कुछ बोल्स जो कि हैं थ्री, इन्होंने थ्री बोल्स दिए, इसी पे हम एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं हमारे सारे, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द चीज़ों में आपको ये मिक्सिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, सो ये तीन बोल्स इसमें बहुत काम आने वाले हैं। देन गाइस यहाँ पे इन्होंने दिया है एक स्पून जिसे इन्होंने मेजरिंग स्कूप कहा है, तो इस बुकलेट में जहाँ जहाँ लिखा है कि पोर वन स्कूप ऑफ बेकिंग सोडा या क्रिस्टल पाउडर, तो वो वन स्कूप यही है, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे है ये स्टर करने वाले स्टिक्स, जैसे हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम इसी से स्टर कर करके उस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाएंगे। देन गाइज यहाँ पे दिए हुए हैं ये दो टेस्ट ट्यूब्स, ये वाला चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, बड़े बड़े हैं और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें अगेन काम आने वाले हैं। एंड गाइज द लास्ट थिंग इज़ ये और भी छोटे बोल्स हैं, ये इन्होंने दो दिए हुए हैं, ये बड़े बोल्स हैं तीन और ये छोटे बोल्स हैं, तो जहाँ पे आपको कम क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंट करना है सो यू विल डेफिनेटली यूज़ दिस। एंड गाइज आई हैड ऑल्सो ट्राइड वन एक्सपेरिमेंट विद दिस यूजिंग द कॉर्न स्टार्च, दिस ब्लू फूड कलर, एंड आई मेड अ फ्लफी स्लाइम एंड इट वॉज रियली गुड। एंड आई ऑल्सो ट्राइड टू मेक क्रिस्टल from this crystal powder and it also turned out to be very good. So this kit is very nice and I'm very happy to get it as my birthday gift. So guys, hope you all enjoyed this, learning about this kit, I mean knowing about this kit, what this kit includes, and yeah, I really love this kit. It is again not a paid video and I was just showing you my birthday gift. So if you all really like the video, please like, share and subscribe to our channel Creative Studio. Till then, bye till the next time. Thank you.